सभी को नमस्कार और गणराज्य दिवस की अनेक शुभकामनाएं। वैसे तो प्रस्तावना में सारा विषय आ गया है, थोड़ा ध्यान देके हमने सुना होगा तो हमारे सामने कौन सा कर्तव्य है वो हमारे ध्यान में आता है। संविधान बनाना स्वतंत्र देश का, उसको लागू करना, ये तो एक भाग है ही, परंतु उस संविधान को हमने अपने आप को दिया है तो उसका पालन करना ये भी बात है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान का व्यवहार ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमारा जो दिवस संपन्न करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, सारे देश में सब लोग संपन्न करते हैं और उसके चलते एक वातावरण उत्पन्न होता है, जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फहरा, सब लोग कार्यक्रम देखने जाते हैं, दिल्ली का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रही है, अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है, सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इसलिए संविधान का हम थोड़ा अध्ययन करें, बहुत विद्वान लोग जैसा करते वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी चार बातें हैं जो संविधान का प्राण है, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की अपने प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, संविधान में नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान में नागरिक हक अधिकार दिए और संविधान में मार्गदर्शक तत्व दिए। ये बातें ऐसी हैं जो बदलती नहीं। सारी जो संविधान सभा की कार्रवाई हुई उसमें इन बातों पर पूरे संविधान सभा ने मिलकर निर्णय किया, वो अपने देश का सामूहिक संकल्प है, उसके अनुरूप अपना आचरण होना चाहिए। हमारे यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता दी है, परंतु ये भी कहा गया है कि जैसे उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में मैंने कर दिया है, परंतु यह स्वतंत्रता वास्तव में आनी है तो उसके पीछे एक बंधुता काम करती है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये तत्व त्रयी मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली, भारत में उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने उसको, और इसलिए दुनिया का अनुभव ऐसा है कि समता स्वतंत्रता एक साथ नहीं आती, समता है तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है और स्वतंत्रता देनी है तो समता की गारंटी नहीं दी, ये दोनों एक साथ लाने का एक ही उपाय है, बंधुभाव। बंधुभाव ही धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। अपने आज हम तिरंगा फहराते उस पर धर्म चक्र है केंद्र, तो कानून है ही, उसका पालन करना ही है, उसका अनुशासन है ही, लेकिन ये अनुशासन कायम कैसे रहता है? वो कायम रहे इसलिए सरकार के हाथ में दंड शक्ति है, विधान है, उसको लागू करने के अधिकार है, उसके लिए पुलिस है, बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन कोई भी चीज व्यवस्था के बल पर एक हद तक होती है।
व्यवस्था को पालन करने वाले लोगों का मन रहता है हम इस व्यवस्था में रहेंगे, इसका पालन करेंगे। ये क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है कि व्यवस्था और जिनके लिए व्यवस्था है वो लोग, उनके प्रति एक आत्मीयता रहेगी। ये हमने बनाई व्यवस्था है, ये हमारे लिए बनी व्यवस्था है, ऐसा एक आत्मीयता का भाव रहता है। वही भाव आपस में व्यवहार में बंधुभाव के रूप में प्रकट होता है। उस बंधुभाव का हम स्मरण करें, भारतवर्ष के जन की ताकत अपरंपार है, वो कभी भी कम नहीं थी, वो वैसी की वैसी बनी है, और उसके बल पर जब वो जागता है तो अनेक चमत्कार दुनिया में करता है, जैसा आज कर रहा। ऐसा भारतवर्ष आएगा, ऐसा भारतवर्ष उठेगा, ये अगर 40 साल पहले हम कहते तो अपने ही लोग हमारी खिल्ली उड़ाते, लेकिन आज हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति हमेशा थी, परंतु वो परिणामकारक तब होती है जब हम बंधुभाव की सामूहिकता में बंधे जाते। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए। मेरे सारे सामर्थ्य का उपयोग मुझे सबके लिए करना है, क्योंकि सब मेरे अपने हैं, दिखते विविध है, लेकिन हमारे देश में तो परंपरा है सारी विविधता का स्वीकार करना। हम विविधता को अलगाव नहीं मानते। इस प्रकार बंधुभाव के साथ देश के लिए सब लोग मिलकर उद्यम करेंगे, संविधान के अनुशासन का पालन करेंगे, उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देंगे, उसके भाव में भाव को ध्यान में रखकर उसका उचित उपयोग करेंगे, तो राष्ट्र उस उत्कर्ष की ओर जाएगा। ये करने के लिए हम लोगों में समर्पण का भाव चाहिए। मेरा स्वार्थ छोड़ दूंगा मैं, आज जो गीत हुआ, मैं रहूं ना या रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हम संघ में गीत गाते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना। देश हित के प्रति, समाज हित के प्रति, अपने बंधु बांधवों के हित के प्रति सारे भेद छोड़कर, सारे स्वार्थ छोड़कर जीवन सर्वस्व अर्पण करने की तैयारी से लग जाना, ये हम सब मिलकर करते हैं तो आज जो दुनिया को भारत से अपेक्षा है और भारत के जन जन की आकांक्षा है कि हम विश्वगुरु बने, वो कुछ ही वर्षों में सफल होती हुई हम देख सकते हैं। इतना अपरंपार सामर्थ्य अपने हम में है, लेकिन उसके लिए हमको ये समर्पण याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रध्वज के शीर्ष स्थान पर जो रंग है वो अपने देश में समर्पण का रंग माना जाता है, उस पर जो धर्म चक्र है वो धर्म चक्र वास्तविक धर्म जो है बंधुभाव का, उस पर आधारित धर्म का चक्र है। ये ध्यान में रखकर हम सब लोग आज गणराज्य दिवस को मनाए, अपने कर्तव्यों को समझे और उसका अनुपालन करना इसी क्षण से प्रारंभ करें, इतनी एक प्रार्थना आपके सामने रखता हूं। और मेरे चार शब्द